इसी चैनल को हम अंडर रिव्यू में भेजेंगे आज, क्योंकि हमारे इस चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो चुका है और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमें क्रोम ब्राउज़र में, हमें डेस्कटॉप मोड पर हमारे चैनल को ओपन कर लिया है, यूट्यूब स्टूडियो के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1087 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, जबकि हमें 1000 सब्सक्राइबर की आवश्यकता है। तो यहाँ पर नीचे हम मोनिटाइज सेक्शन में चले जाएंगे। जैसे कि अगर आपके YT स्टूडियो के अंदर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाता है, लेकिन आपको YouTube क्रोम ब्राउज़र में ही ओपन करना है और यहीं पर आपको देखना है कि आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर 1018 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और वॉच टाइम 4004 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो चुका है। टू स्टेप वेरिफिकेशन भी यहाँ पर हमारा इनेबल है, कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह नहीं होनी चाहिए यहाँ पर एक भी। तो यहाँ पर हमारी जीरो कॉपीराइट स्ट्राइक है। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है अभी आवेदन करें, इस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें दो प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो पार्टनर कार्यक्रम की शर्तों को एक्सेप्ट करना होगा हमें। तो यहाँ पर शुरू करें पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप पूरा पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर टिक करना है हमें। इसके बाद शर्तें स्वीकार करें पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ गया है कि हो गया है। फिर हमें सेकंड स्टेप पे आ जाना है। सेकंड स्टेप पे हमें शुरू करें पे क्लिक करेंगे। इसके बाद चुनने वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करेंगे। अगर आपका यहाँ पर पहले से एडसन अकाउंट है तो ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आपका पहले से कोई भी एडसन अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर दूसरे नंबर वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो हमारा यहाँ पर पहले से कोई भी एडसन अकाउंट नहीं है तो सेकंड वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेंगे। इसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप जो भी एडसन अकाउंट किस जीमेल आईडी से बनाना चाहते हैं उस जीमेल आईडी पर हमें लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसी जीमेल आईडी से एडसन अकाउंट को क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप चाहे तो ऊपर वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं और आप चाहे तो नीचे वाले पर भी क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। अपनी कंट्रीज़ को चुनना है तो यहाँ पर हमारी कंट्रीज़ को सेलेक्ट कर लिया है भारत। उसके बाद एडसेंस की टर्म और पॉलिसी को हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो यहाँ पर इस बॉक्स में क्लिक करेंगे और खाता बनाए पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस होगा और उसके बाद हमें आगे की प्रोसेस को जारी रखना होगा। यहाँ पर हमें एडसन अकाउंट को बिल्कुल बारीकी से समझकर हमें क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर हमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो यहाँ पर हमें जानकारी को फिल करना होगा। तो खाता प्रकार हमें यहाँ पर एकल ही रखना है, बिजनेस नहीं करना है। अगर आप बिजनेस करेंगे तो यहाँ पर आपके एडसन अकाउंट में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद नाम और पता को फिल करेंगे। तो यहाँ पर नेम में हमें हमारा चैनल का नाम नहीं रखना है। बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं कि यहाँ पर नाम की जगह अपने चैनल के नाम को ऐड कर देते हैं। जिस व्यक्ति के नाम पर हम एडसन अकाउंट को बनाएंगे उसी व्यक्ति के नाम को यहाँ पर ऐड करना है। जैसे कि हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी नेम है उस नेम को ही टाइप करना है। तो यहाँ पर मैं सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर कर दूंगा। शहर और पोस्टल कोड, राज्य, ये सभी मैं फिल कर लूँगा और उसके बाद बताऊँगा। तो यहाँ पर ये सभी मैंने फिल कर दिया है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है। उसके बाद जमा करें पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे चैनल पर रिडायरेक्ट कर रहा है। रिडायरेक्ट होने में थोड़ा सा समय लगेगा। स्टेप टू में यहाँ पर जारी है लिखा हुआ आ गया है, यानी कि हमारा जो चैनल है वो अंडर रिव्यू में जा चुका है। अब हमें एक हफ्ते के अंदर अंदर मेल मिल जाएगा कि हमारा चैनल मोनिटाइज होगा या नहीं, और 1 से 2 दिन के बाद ही, यानी कि 24 से 48 घंटे बाद नंबर 2 डन हो जाएगा, यानी कि हमारे एडसन से लिंक हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर भी इन प्रोग्रेस दिखाने लग जाएगा। तो आपको वेट करना है 24 से 48 घंटे तक। अगर आपके एडसन से रिकॉर्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे साथ
प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो यहाँ पर हमारा 24 घंटे बाद ही हमारे पास इस प्रकार का मेल आ चुका है। और ये देखिए हमारा जो चैनल है वो मोनिटराइज हो चुका है, यानी कि हमारे चैनल पर अब ऐड आना शुरू हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप अपने चैनल को अंडर रिव्यू में भेज सकते हैं। अगर आपकी चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है और 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमारी इस वीडियो को देखकर आप आसानी से आप अपने चैनल को अंडर रिव्यू में भेज सकते हैं।